नमस्कार, मैं जिब्रान जर्रार खान, असम की डुबरी लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा पर बड़ा आरोप लगाया है। ये आरोप उन्होंने तब लगाया है जब हेमंत बिस्वा ने कहा था कि राज्य में अजमल सीएम बन सकते हैं अगर दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हुई तो। क्या है वो आरोप जो अजमल ने हेमंत बिस्वा पर लगाया है, आइए जानते हैं पंजाब केसरी की इस खास रिपोर्ट में। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने शनिवार को असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भाजपा को अंदर से मिटाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी राज्य में मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। अजमल ने कहा कि वो यानी हेमंत कई वर्षों से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उन्होंने इस सपने के लिए कांग्रेस छोड़ दिए और अब भाजपा को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अजमल ने कहा कि ये जल्द से जल्द सर्बानंद सोनोवाल को हटाना चाहते हैं ताकि वो मुख्यमंत्री बन सके। गौरतलब है कि शर्मा ने हाल ही में कहा था कि अगर राज्य के लोग अपने दोस्तों और दुश्मनों की पहचान करना बंद कर देते हैं तो बदरुद्दीन अजमल असम के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अजमल ने कहा कि वो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं जो बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी। मुझे विश्वास है कि उनका ये कहना मेरे लिए आशीर्वाद है और मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि मैं भी दुखी हूं कि वो मुझे मुख्यमंत्री बनते हुए देखने के लिए अपने सीएम बनने के सपने को खुद से दूर कर रहे हैं। अजमल ने हेमंत बिस्वा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो हिंदू भाइयों को ये बताकर गुमराह कर रहे हैं कि उनके वोट से एक मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाएगा। वो भय पैदा करके लोगों से वोट लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ सत्ता के लिए नहीं हैं, हम एक विपक्ष के रूप में यहाँ हैं जो लोकतंत्र में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। यदि विपक्ष नहीं होता तो कोई नहीं होता तो ये भी नहीं बता सकता था कि सरकार अब तक क्या कर रही है। ये उनका सपना है कि वो एक हिंदू राष्ट्र बनाए। बदरुद्दीन अजमल ने यह भी दावा किया है कि भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा देश के 90% लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।